हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास फोर ऑफ फंक्शन्स बट पहले के तीन क्लासेस में हम लोगों ने जो कुछ किया है अब उसको आगे बढ़ाएंगे लेट मी रिकॉल द लास्ट क्लास इन द लास्ट क्लास हमने बहुत क्लासिकल अप्रोच लेके चले हैं आप और हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए उसमें चार ज़रूरी रिजल्ट आपको बताए गए थे जिसमें से दो प्रूव हो गए थे दो आज करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम लेट मी प्रोसीड ये वो चार रिजल्ट हैं देखिए सामने फोर इम्पोर्टेंट रिजल्टिशन जिन बच्चों ने लास्ट क्लास की है हमारी उनको पता है पहले दो का प्रूफ कराया गया था बाद के दो रह गए थे वो मैं अभी कराऊंगा बट वेट ये चारों के लिए भाई अभी अगले दस पंद्रह बीस मिनट के लिए ये मैंडेटरी था समझ लीजिए ये जो डाइग्राम है एक तो एफ फंक्शन है एक्स टू वाई और दूसरा जी फंक्शन है वाई टू जेड ज्यादा इंक लग रहा है आपको तो इसको पतला कर लेते हैं बट ये मैंडेटरी रहे, ये रहेगा ही रहेगा एफ एक्स टू वाई है मेरे बेटा और जी वाई टू जेड है ध्यान रखिएगा ठीक है अच्छा ये फंक्शन एफ हो गया मेरे बच्चे ये जी हो गया यहां से एक्स लेंगे तो यहां एफ एक्स और यहाँ जियो यानी सही सुना आप लोगों ने इसका मतलब पहले सेट से आखिरी सेट के बीच में एक बहुत खूबसूरत फंक्शन काम कर रहे हैं जिसको आप जियोएफ बुला रहे हैं और जिसके पीछे हम पढ़े हुए हैं जिस पे बेस सारे रिजल्ट करने को आप और हम तैयार हैं तो पहले दो रिजल्ट मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूं अब बाद के दो रिजल्ट अभी होंगे ये डायग्राम ध्यान में रखिएगा आप देखिए ऑल ऑफ यू देखो मेरे बेटा ये रिजल्ट देखो अगर जियो एफ वन वन है और एफ वन टू है तो ये देखिए ये इसको याद कैसे करेंगे अगर लास्ट क्लास आपने की है दो रिजल्ट आपने ये पढ़ा था मेरे बेटा जियो एफ इज वन वन दिस एम्प्लाईज एफ इज वन वन याद भी होगा आप लोगों को ना वो मैंने जियो एफ इज वन वन से एफ इज वन, वन वन बोला है जियो एफ वन वन से जी इज वन वन नहीं बोला तो ये रिजल्ट ऐसे याद रखेंगे GOF ओ एफ वन वन से जी वन वन कब आएगा प्रोवाइडेड ऐसे याद रखना दूसरे वाले को ऑन टू होना चाहिए यही याद हो जाएगा डोंट वरी जब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आएंगे आपके सामने अपने आप याद हो जाएगा पहले इसको जस्टिफाई कर लेते हैं कैसे होगा मेरे बेटा देखो दिस इज मैंडेटरी बिना इसके काम नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा ये आपका GOF ओ फंक्शन है जो एक्स टू जेड काम कर ही रहे हैं हाँ जी ये दोनों चीजें गिवन है और वो शो करना है मेरे को अगर मुझे जी को वन वन दिखाना है सही सुना आप लोगों ने अगर आपको और हमें जी को वन वन दिखाना है तो बेटा सॉल्यूशन शुरू करते हैं एन ऑर्डर टू शो जीज वन वन लेट अस सपोज जी एक्वल टू जी बी और तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है अगर ए और बी बराबर आ गए अगर ए और भी बराबर आ गए तो जी वन वन आ जाएगी ठीक है ये बात तो ठीक है बट ये बताइए जरा पिक्चर देख के भी और अदरवाइज भी मेरे बेटा अगर आप जी ऑफ समथिंग लिख रहे हैं जी ऑफ समथिंग लिख रहे हैं तो डायग्राम देख के बताओ समथिंग कहाँ से आएगा अरे भाई जी का तो डोमेन वाई है तो ये जो तो समथिंग मतलब ए और बी है वो वाई में घुसा हो सही सुना बेटा आपने ये वाई में घुसा हुआ दिस दिस इज इज एंड बस बात खत्म काम ही खत्म हो गया जरा पिक्चर देखिए ए और बी वाई के मेंबर्स हैं और एफ ऑन टू है तो ए और बी का प्रीमेच मिल जाएगा में ये चीजें ऐसी चलती हैं आराम से पेन चला ही जा रहा है चला ही लॉजिक के साथ चला ही जा रहा है चला ही जा रहा है रुकने की जरूरत नहीं है अब देखिये वही कराते हैं नोट ए बी बिलोंग्स टू वाई एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई जो है मेरे बेटा वो ऑन टू बोला हुआ है आपको अगर एफ ऑन टू है सही सुना आपने अगर एफ महाराज ऑन टू है तो इनकी प्री इमेजेस लेके बैठे होंगे डेफिनेटली तो इसका प्री इमेज एक्स1 मान लो उसका प्री इमेज एक्स2 मान लो और लड्डू पेड़े खाने की तैयारी कर लो सही सुना बेटा आपने सो तो, देयरफॉर आपके सामने थ्योरी थ्योरी हो रहा है, numerical ही है यार एकदम लॉजिकल चीज है लॉजिकली चलो ठीक है यहाँ तक हो गया अब ऐसे और बी का वैल्यू इसमें रखेंगे और अपना मंतव्य गंतव्य सब कुछ हासिल कर लेंगे सही सुना आपने देखिये जरा जी ए इक्वल टू जी बी एम्प्लाइज ए के प्लेस में ये और बी के प्लेस में ये जी ऑफ एफ एक्स वन जी ऑफ एफ एक्स टू ये जीओ एफ हो गया दिस एम्प्लाइज Gof of X1, Gof of X2, ये दोनों बराबर ऊपर चलिए, से से शुरू शुरू किया किया था? सही किया था? सही बेटा, इसको कौन लेगा? भाई मैपिंग मैपिंग तो one -one है। अगर ये वन वन मैपिंग है तो यहाँ से क्या मिलेगा वन वन यूज करके प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर विद एवरीथिंग एवरी लॉजिक सब कुछ अपने आप आता है मैथमेटिक्स में तुमने मॉडर्न मैथमेटिक्स को रट रट के इसका बैंड बजा दिया ना ऐसे नहीं करना चाहिए जी, टू आ गया। गेट अरे भाई अगर ये दोनों well तो से तो इनका एफ बराबर जाएगा और आपका और हमारा काम खत्म होगा देखिए बिगिनिंग क्या था शुरुआती लाइन और लास्ट लाइन सुना बेटा ने बिगिनिंग और एंडिंग कोई भी बच्चा रट्टा लगाने की कोशिश ना करे लॉजिक लगाने की कोशिश करो यार डायग्राम बनाओ देखो क्या पेन चलेगा स्मूथली वन वन ऑन टू क्लियर है अपने आप सारा काम हो जाएगा चलिए ये रिजल्ट हो गया आपका अब रिजल्ट नंबर फोर इसी लॉजिक के साथ बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट नंबर फोर करेंगे आओ जी एफ इज ऑन टू एंड जी इज वन वन इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू देखो मेरे बेटा लास्ट क्लास में हमने ये किया था सही सुना आपने जी ओ एफ इज ऑन टू ऐसा होने से जी ऑन टू होता है ऐसा होने से एफ ऑन टू नहीं होता तो ऐसा होने से एफ ऑन टू कब होगा प्रोवाइडेड दूसरे वाला वन वन ये याद हो जाएंगी चीजें आपको कैसे नहीं होंगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं याद हो जाएंगी चीजें देखिए अगेन वो खूबसूरत डायग्राम आपके लिए इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता एफ जी जी ओ एफ बहुत बढ़िया आओ हाँ जी क्या शो करना है बेटा ऑन टू एफ को ऑन टू शो करना है यानी यहाँ के एलिमेंट की प्रीमेज जिसमें आनी चाहिए एक एलिमेंट ले लो इसका प्रीमेज चाहिए मुझे देखते हैं कैसे आएगा सॉल्यूशन वी हैव टू शो एफ इज ऑन टू एफ फंक्शन एक्स टू वाई है तो उसका प्रीमेज चाहिए मुझे ओके गिव मी वन सेकेंड यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि वाई किसका प्रीमेज बन के आएगा देखिएगा आप जरा ध्यान से लेट ंग्स टू वाई बी एनी एलिमेंटीट दिक्चर देते बेटा है अगर वाई नॉट वाई का में तो उसका इमेज उसका इमेज जी लगाओ जी लगाओ जी लगाओ हां जी सही सुना आपने जी लगाइए जी लगाना है जी हजूरी नहीं करना है जी लगाना है इट इज जी ऑफ वाई नॉट ऑब्वियसली जेड में होगा क्या फायदा होगा देखते जाइए बट हाँ यहाँ यहाँ बट ये क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए अलग अलग कलर्स के साथ बेटा ये मैपिंग तो ऑन टू है आ, अब आया है ना समझ में ये मैपिंग ऑन है अगर ये मैपिंग एक्स टू जेड ऑन टू है ये जियो बेटा इस यहाँ के हर एलिमेंट का प्रीमेज वहाँ कैरी करेगा नहीं करेगा तो ये ऑरेंज वाले का प्रीमेज वापस यस ये? तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेट मी राइट सम एलिमेंट एक्स नो

जी ऑफ एफ एक्स नॉट ऊपर 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 मेरे बेटा जरा ये पढ़ लीजिए जी फंक्शन तो वन वन है अगर वन वन है तो यहाँ वन वन लगाइए जी ऑफ फर्स्ट इक्वल टू जी ऑफ सेकंड एम्प्लाइज फर्स्ट इक्वल टू सेकंड थैंक यू वेरी मच दैट इज वाई नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट रीजन में लिख रहा हूँ यहाँ जी इज वन बेटा जरा लास्ट लाइन देखिए जो ब्लू में लिखा है नॉट किसके बराबर है आ तो क्या वाई तो नॉट जो है सी है ये लो ये नॉट समझ में आया बेटा दिखाई दे रहा है यही एक्स नॉट काम कर रहा है आपका के तो यहां से आपको पता लग गया। में कुछ लोगों को वीडियो नजर नहीं आ रहा होगा थोड़ी देर में ऐड हट जाएगा तो पता लग जाएगा लास्ट में ऑन टू लिखा देखो मेरे बेटा ये कॉम्पोजिशन के रिजल्ट्स बहुत सोच समझ के अभी इसीलिए कराए जा रहे हैं कि एक बार आपका बड़ा बड़ा कोर्स शुरू होगा जिसका भी एम एस सी एंट्रेंस का जैम का नेट का गेट का टी आई एफ आर का जो भी आई एस आई एन बी एच एम वट एवर ये सब चीजें पहले से कर लीजिए बहुत काम आती हैं आप लोगों ने रह रह के नोटिस किया होगा स्पेशली वो लोग जो पी वाई के करते रहते हैं और इधर उधर थोड़ा हाथ पर चलाते रहते हैं कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन सामने आता है होता ही नहीं समझ में ही नहीं आता अप्रोच कैसे करना है ठीक है ऐसे इन चार रिजल्ट बताएं इनको आत्मसात कर लीजिए आइए अब आगे बढ़ने से पहले ये चारों रिजल्ट एक बार फिर देखते हैं देखो मेरे बेटा डायग्राम ध्यान में रखिएगा ये ऐसे ऐसे हाँ जी अगर जी यहीं से शुरू करो अगर जीओ एफ वन वन है तो ये वाला, है. अच्छा दी। पहले वाले को तीसरे से रिलेट करिए जीओ एफ एस वन वन से जी वन वन कब होगा जब दूसरे वाला होगा अब आइए दूसरे तक जियो एफ एस ऑन टू होने से पहले वन जी ऑन टू है तो GF is होने से F कब जब दूसरे वाला वन वन होगा ऐसे करके आपको चारों चीजें याद हो जाएंगी चारों चीजें बड़े आराम से याद हो जाएंगी क्लियर हो गए आप लोगों को ये रिजल्ट ये जो भी आपके सामने रिजल्ट लिखे गए हैं बेटा आप स्क्रीन ले सकते हैं बार बार याद कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं सही सुना बेटा जी मैं भी बरसों से पढ़ा रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं बीट रियल एनालिसिस बीट लीनरल जबरा ग्रुप थियोरी मीट्रिक स्पेसिस टोपोलॉजी जो भी है वट बेटा वो इनमें इन्हीं में से हो जाते हैं हो जाते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट के करीब क्वेश्चन इन्हीं में से हो जाते हैं मतलब इन रिजल्ट्स की हेल्प से हो जाते हैं आइए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम करते हैं जो इसी पे बेस्ड हाँ जी ये ये आपके सामने है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन क्वेश्चन है पढ़ते yes, हैं थोड़ा सा अधूरा पान है उसको पूरा करेंगे आप और हम मिलकर देखो इफ एंड वाई बी टू नॉन एम टी सेट सल जीओ एफ अब जियो एफ लिख दिया तो जी बताइए कहां से कहा है एज अर्लियर ये मैं बार-बार क्यों मेंशन करूं जब आपको बोल दिया क्लास के शुरू में बार बार-बार ना बताया जाएगा ठीक है अच्छा अगर ऐसा है फ्रॉम x टू y g फ्रॉम y टू z तो बेटा ये ये देखो x टू x नहीं होता फिर ये x टू z होता दिखाई दे रहा है आप लोगों को तो इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लिखा मैंने जानबूझ के नहीं लिखा पहले जानबूझ के मैंने नहीं लिखा अब लिख रहा हूं क्लियर हो गया एफ़ फंक्शन एक्स टू वाई है और जी फंक्शन वाई टू एक्स है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल तो जाहिर सी बात है जी ओ एफ कहाँ से कहाँ पिक्चर देख लो कोई बात नहीं एक्स वाई फिर एक्स तो बेटा ये फंक्शन एफ है ये फंक्शन जी है एंड एज अर्ली अब तो आपको भी याद हो गया इतनी बार तो पहले भी कभी नहीं तीन चार साल से पढ़ रहे हो आप लोग ये हालांकि ऐसे नहीं किया आपने लेकिन आप कर लीजिए आइए क्वेश्चन पढ़िए

ये 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 इसमें से डी वाला पार्ट करेक्ट है और बच्चे ने खुशी खुशी उसको मार्क कर दिया और अब वो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है बेटा इसमें क्लासिक जैसी तो कोई चीज है ही नहीं तो मतलब क्लासिक जैसी चीज है आप मिस कर रहे हैं आप लोग तो मिस नहीं करने देंगे आपको जब लिखा है तो बताएंगे नहीं अब देखो भाई इसमें एक बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत चीज छुपी हुई है जरा साथ दीजिएगा भैया देखिए रिव्यू लिखा हुआ है आप सबको कुछ क्लासेस पहले ये क्वेश्चंस बताए गए थे ये कॉन्सेप्ट्स बताए गए थे क्या वन वन होने से ऑन टू होना जरूरी नहीं इसी तरीके से ऑन टू होने से वन वन होना जरूरी नहीं है याद है वो जो भी एग्जांपल्स दिए थे मतलब इन जनरल वन वन एम्प्लाइज ऑन टू इज नॉट करेक्ट इन जनरल ऑन टू इंप्लाइज वन वन इज नॉट करेक्ट बट कब होता है तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन देखिए ये एक्सरसाइज हर एक बच्चे को जिसको लाइफ में कुछ करना है उसको कर लेना चाहिए ध्यान से सुनना मेरे बेटा प्लीज अभी नहीं सीख पाओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे यही समय है पहले वाला डायग्राम देखिए यही समय है सुधर जाओ लेट मी टेक फोर एलिमेंट्स हियर थ्री एलिमेंट्स हियर लेट मी टेक थ्री एलिमेंट्स हियर फोर एलिमेंट्स हियर लेट मी टेक फोर एलिमेंट्स इन बोथ अब जो मैं बोलूं वो साथ साथ करिएगा आप लोग भले ही बात बाद में करो लेकिन करना जरूर हाँ जी ये वाला पिक्चर देखिए जरा दूसरा पिक्चर देखिए सॉरी

इसमें नहीं इसमें नहीं लेकिन इसमें कुछ लग रहा है जो आप मिस कर रहे हैं जो आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन ये 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 यहाँ बैठा लीजिए नहीं तो लैक कर जाएगा गड़बड़ हो जाएगा सारा कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन हिलाए नहीं हिलते हैं ऐसे ये फंक्शन का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है पहले से नहीं पढ़ा होगा तो परेशान हो जाओगे देखो मेरे बेटा यहाँ दोनों की कार्डिनेलिटीज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स में फर्क था

रिजल्ट, यस, मॉवल एफ रिजल्ट्रॉम ए टू बी बी एनी मैप बेटा बहुत ध्यान से देखना कि क्या निकल के आ रहा है देन एफ इज वन वन एफ एन लैफ एफ इज वन टू अरे सर ये क्या लिख दिया आपने अभी तो मना किया था हाँ जी मैंने मना किया था लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ ये ये हो हो जाएगा से हो जाएगा से हो जाएगा से से कब होगा रखिएगा इनफाइनाइट सेट्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू नहीं है इनफाइनाइट सेट्स के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है क्या समझ में आया बेटा इससे रिजल्ट लिखा होना अलग चीज है किताबों में यूट्यूब पे यहाँ वहां पता नहीं कहाँ कहाँ क्या, क्या क्या नहीं बिगड़ है क्या, क्या क्या नहीं लिखा हुआ है लेकिन बच्चे के दिमाग में नहीं बैठता अप्लाई कैसे करेगा बेचारा यस yes. ये फंक्शन वन वन एम्प्लॉयज ऑन टू हो जाएगा ऑन टू एम्प्लॉयज वन वन हो जाएगा प्रोवाइडेड डोमेन का ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ डोमेन ऑर्डर ऑफ को डोमेन एक तो दोनों सेम होने चाहिए और दूसरा वो फाइनाइट होना चाहिए मतलब ये फाइनाइट सेट्स के लिए रिजल्ट समझ में आ गया ऑफ ऑफ ए इज इज इक्वल इक्वल टू टू बी एंड फाइनाइट प्लीज ध्यान रखिएगा ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ़ बी एंड दिस शुड बी फाइनाइट अच्छा जी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा चुका हूँ बेटा ऐसे नहीं कि मैंने बोला रिजल्ट लिख दिया और याद कर लीजिए मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि सच में ऐसा होता है अब आप उसक्यू प्रेजेंट प्रेजेंट क्वेश्चन में आते हैं सर क्वेश्चन तो खत्म हो गया था अरे क्लासिक प्रॉब्लम लिखा है ऐसे कैसे खत्म हो गया तुम्हारे कहने से खत्म हो गया था देखो यहाँ जियो है जियो एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स तो ये डोमेन और कोडोमेन का कार्डिनेलिटी नंबर ऑफ़ कालिमेंट तो सेम है क्या ये अरे ये तो फाइनाइट भी थी ओए कमाल हो गया नोट हाँ हाँ आप ही नोट लिख रहा हूँ देखिए जियो एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स इज ऑन टू एंड कैपिटल एक्स इज फाइनाइट वॉट विल है भाई ये टू है तो वन वन हो जाएगा थैंक यू वेरी मच जियो एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स मस्ट बी क्या होना चाहिए जिनको नहीं आ रहा है समझ में बेटा प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ तो मैं नहीं पढ़ा सकता किसी और से जाकर पढ़ लो ये क्लियर होना चाहिए देखिए वो ऑन टू है एक्स टू एक्स तो वो फंक्शन वन वन भी हो जाएगा अब याद करो जरा सबसे पहले रिजल्ट कंपोजिशन का अगर जियो एफ वन वन है तो कौन से वाला इसमें से वन वन होते थैंक यू वेरी मच आया समझ में लो हो गया खत्म बेटा पहले वाला भी करेक्ट है पहले वाला लॉजिक से नहीं आ रहा था थोड़ा सा आपने रिव्यू लगाया थोड़ा सा समय दिया क्वेश्चन को वो आपका साथी बन सही सुना आप लोगों ने पहला भी करेक्ट है और लास्ट वाला भी करेक्ट है बी और सी करेक्ट होगा या नहीं होगा जब कोर्सेज होंगे तब देखेंगे राइट नाउ ए एंड डी मैं फिर से बोलूंगा डी हम सबको क्लियर था ये बहुत कम बच्चों को क्लियर था जिन बच्चों ने इस तरह का क्वेश्चन पहले किए हैं उनको तो क्लियर हो गया होगा जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं हो सकता क्लियर जब तक किसी किसी अच्छे को साथ ही नहीं बनाएंगे चलिए अब आगे चलते हैं कॉम्पोजिशन मैं ये नहीं कह रहा कॉम्पोजिशन खत्म हो गया बेटा बेटा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बहुत यूजफुल बड़े काम के रिजल्ट कर लिए अब चलिए आगे वही डोमेन को डोमेन थोड़ा और देखते हैं ग्राफिकली या जैसे भी देखो मेरे बेटे

एक जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है ये हमेशा जीरो से वन के बीच में लाइक करते है। वन कभी भी टच नहीं होगा भैया मैं नहीं अभी अभी मैं नहीं कर सकता मे भी किसी क्लास में ग्राफ वगैरह पढ़ाएंगे तो बताएंगे पहले वाले के लिए नोट देखिए क्लियरली yes? पहले वाले के लिए नोट अच्छा उसके बाद exponential का ग्राफ ऐसे बनता है मेरे e power x. है मेरे बेटा वो सर आपने increasing, decreasing नहीं पढ़ाया सब मैं ही पढ़ा दूँ हाँ कुछ खुद भी पढ़ लो तो अगर P, Q से लेस है अगर पी क्यू से लेस है तो बेटा एफ पी एफ क्यू से लेस होगा ये इंक्रीजिंग की पहचान सो दैट इज यस सही सुना आपने मेरे, मेरे बेटा

एफ़ एक्स वन और ई e के बीच को लाइक कर रहे हैं यानी कि एफ एक्स जो है हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने तो बेटा पहले वाले में रेंज क्या है का? मैं आंसर लिख देता हूँ आप सब लोगों के लिए आंसर लिख देते हैं अब दूसरे में तीसरे में चौथे में सब में आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू पॉज करिए अच्छे से बनाइए ये यूजुअल ग्राफिकल मेथड से थोड़ा सा अलग है आपको क्या लग रहा है भाई जो आपने हमने थोड़ा बहुत मिलके किया वही आ जाएगा एग्जाम में कमाल कर रहे हो यार देखो तो सही कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को आप दूसरे पे आते हैं सेकेंड पॉज करके अच्छे से बना लीजिएगा नोट्स और क्या बनाओगे सेकेंड वन प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस्ट पावर दो हजार बाईस तो हाँ जी ताजा ताजा, ताजा फंक्शन आपके लिए यस मेरे बेटा अगर कोई एक्स रियल नंबर है तो जरा उसका स्क्वायर बताइए क्या होगा ऐसा नहीं होगा हाँ जी सर ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा तो इसका पावर ये इसमें पहले वन ऐड करिए सॉरी मैं पहली वाली लाइन फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि okay, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं देखो बेटा x पूरी रियल लाइन पे है तो जैसे उसका स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है आर प्लस में चला जाएगा एक्टमो जीरो हो सकता है वो नेगेटिव कभी भी नहीं होगा अब आइए अगर एक्स रियल लाइन में तो एक्स स्क्वायर जो है जीरो से इन्फिनिटी लाई करेगा दिस लेस देन इक्वल टू तो वन प्लस एक्स स्क्र लेस देन इन्फिनिटी ऑब्वियसली कोई बच्चा वन प्लस इन्फिनिटी तो नहीं लिखेगा आप चाहें तो लिख सकते हैं आप तो कुछ भी कर सकते हैं अब बैटमैन स्पाइडरमैन इन सबसे कम थोड़े to... आ रहा है यानी क्या हो गया मेरे बेटा तालियां बजा देना भाई अच्छे अच्छे कमेंट नहीं करते आप लोग शिकायत है आप लोगों से क्लियर हो गया थैंक यू दूसरे वाले पे आइए पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा पूरी लाइफ कम आएंगे अभी जिन लोगों को मजाक लग रहा है उनको पता नहीं है मजाक लग रहा है ना अभी पूरी जिंदगी काम आएंगे जब 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 भी पढ़ोगे पढ़ाओगे यही पलट पलट कर देखोगे तुम तो? क्योंकि तो असली देसी की नहीं मिलेगा कहीं ओके चलिए दो क्वेश्चन हो गए अब आते हैं थर्ड पे पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लीजिए

इज इसमें infinity डाली है, ये टी आएगा इज पे आएगा और इसी के साथ इसी के साथ ये भी दिख रहा है बेटा आपको ये जो फंक्शन है ये एक पोलिनोम है जितनी भी डिग्री का पोलिन है दिस इज अ पोलिनॉमिल पोलिनॉमिल इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर डिफरेंशियबल पूरी रियल लाइन पे अगर ग्राफ इमेजिन करेंगे तो वो ग्राफ विदाउट ब्रेक होना चाहिए कहीं भी ब्रेक नहीं होगा कॉन्टिन यस सब है, सब एक रफ रफ सा ग्राफ बनाया जाए देखो मेरे बेटा ध्यान से देखना इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ रहा है यानी एक स्टार यहां लग जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी आ रहे हैं अब भैया ये क्यूबिक है क्यूबिक है तो इसके तीन रूट्स होंगे एटमोस सही सुना बेटा आपने इसके तीन रूट्स होंगे तीन रूट्स होंगे यानी एक्स एक्सिस को या तो एक बार कट करेगा या तीन बार कट करेगा आइडिया ले लीजिए कोई बात नहीं कोई परेशानी नहीं है विच एवर बी द केस या तो ऐसे भाई आपको ये दोनों डॉट्स तो मिलाने ही थे या तो ऐसे बन जाएगा देखते रहें ना मैं मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ बेटा मैं इतना बड़ा सुपर इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं पंगा नहीं ले सकता किसी से ना आपसे ना और किसी से सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ या तो ऐसे ले लीजिए या फिर एट मोस्ट ऐसे जाना तो इसको इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी है अब जरा लास्ट क्लासेस रिकॉल कीजिए किसी भी ग्राफिकली किसी भी फंक्शन का इमेज कैसे निकाला जाता है रेंज कैसे कैसे निकाला जाता है एक्स एक्सेस के पॉइंट्स उठाइए परछाई ले ली समझ में आया परछाई प्रोजेक्शन यस ये पूरा का पूरा देख रहे हैं आप लोग यहाँ से पूरा दे, पूरा देख रहे हैं आप देखो बेटा अगर व्हाइट वाला है व्हाइट वाला तो भी प्रोजेक्शन इधर लेंगे तो ये पूरा पोर्शन आएगा यहाँ का प्रोजेक्शन इधर लेंगे तो पूरा का पूरा ये ये वाला वाई एक्सिस आ जाएगा अगर ब्लू ग्राफ का प्रोजेक्शन देखेंगे वो भी सेम ही आएगा मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ घर पे बैठ के सोचिएगा व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ ब्लू ग्राफ पूरा प्रोजेक्शन ऑफ वाइट ग्राफ वो भी पूरा का पूरा वाई एक्सिस क्या इशू है कोई इशू ही नहीं है पूरा का पूरा माइनस इंथिनिटी इंथिनिटी जिनको नहीं समझ में आया वो अपने दिमाग का इलाज कराए सॉरी टू से करो यार अब नहीं करोगे तो कब करोगे यहां नोट भी लिख सकते हैं कोई भी क्यूबिक पोलिनोमल हो थर्ड डिग्री पोलिनॉमेल रियल रियल में थर्ड डिग्री पोलिन उसका रेंज हमेशा पूरा का पूरा रियल लाइन ही आएगा क्योंकि वो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा माइनस इन्फिटी पे माइनस इन्फिनिटी जाएगा और विदाउट ब्रेक होगा पल नौ मिला तो ग्राफ इमेजिन किया जा सकता है उसकी परछाई इमेजिन की जा सकती है समझ में आए एग्जैक्ट ग्राफ क्या होगा अरे पॉसिबल ग्राफ हो गया ना छोड़ो ना तो पहला क्लियर है आपको दूसरा क्लियर है तीसरा तीसरा भी क्लियर है अब लास्ट वाले पे आते हैं पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा बेटा लास्ट वाला एफ एक्स इक्वल टू साइन वन बाई एक्स अगेन जिन बच्चों को साइन वन एक्स का ग्राफ नहीं पता मेरा उनको प्रणाम कि अब तक कहाँ सो रहे हो प्यारे कहाँ सो रहे हो यार घर में सो जाओ साइन एक्स नहीं है साइन वन बाय एक्स है अगर साइन एक्स होता तो आप सबको पता है साइन पाए टू पाए थ्री पाए फोर पाए पे जीरो आता है साइन पाए बाय टू वन होता ही है साइन पाए बाय टू तो ये वन बाय एक्स है तो यहाँ पे टू बाय पाए रखते हैं पाए बाय हाँ टू बाय पाई वॉट इज साइन वन बाय एक्स एट टू बाय पाई वन थैंक यू और साइन वन से ज़्यादा तो हो नहीं सकता सही सुना बेटा आपने सुन ही लिया आखिर आपने दिल की बात मैक्सिमम वन इधर और यहाँ माइनस वन दिख रहा है आपको ठीक है जी अच्छा ये इन्फिनिटी पे किधर जाएगा वन बायफिनिटी जीरो हो गया हाँ पॉजिटिव में नेगेटिव में दिख रहा है आपको इन्फिनिटी पे इनफिनिटी मतलब एक डॉट यहाँ और अगला इधर ये कुछ इस तरीके से सही सुना बेटा सही सही बिल्कुल सही बनाया इन इन बिटवीन दिस माइनस टू से टू पाई के बीच में बनाया तो है आपने जिक जैक कर दो और क्या ठीक है तो दिस इज द ग्राफ बिल्कुल यही है अब बेटा इसका रेंज 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 क्या क्या बहुत अच्छा ग्राफ बन गया वैसे क्या आएगा इसका परछाई और तो कुछ कर नहीं रहे ये वन है माइनस में और ये वन है प्लस में थोड़ा हाइट्स ठीक से बना लीजिएगा तो इसका जो रेंज है मेरे बेटा वो है वन माइनस क्लोज आएगा ये आई होप दिस फॉर एग्जाम्पल आर वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है चलिए गेन पॉज करिए नोट्स बनाइए एंड प्लीज़ ये थोड़ा हाइट्स बराबर रखिएगा वन वाली और माइनस ग्राफ बन रहा है थोड़ा तरीके से ये पूरा माइनस वन टच होना चाहिए सारी हाइट्स और तो ये वन टच होना चाहिए चलिए तो हो गया नेक्स्ट हाँ जी ये स्टेटमेंट देखो एंड देन वी शेल रैप अप द क्लास वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट एफ ऑफ एफ इज वर्स और एफ इनवर्स ऑफ एफ इज ए देखने में तो लग रहा हो जाएगा देखने में सबको लग रहा हो जाएगा लेकिन आपके लगने से और हमारे लगने से तो सब कुछ होना नहीं है एग्जाम्पल देखेंगे फटाफट डिफाइन फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन बाय फंक्शन वन फॉर ऑल एक्स चूज बी बस वन के अलावा कुछ भी ले लो कोई भी सिंगल टेन ले लो, जीरो ले लो जीरो दिखा रहा हूँ आप आपने स्ट्रेट लाइन बनेगा एक्सिस अब यहाँ देख लीजिए ये जो तो फंक्शन है सब को सब कुछ को उठा के किधर लेके जा रहे हैं इस एक इकलौते बनते रियल लाइन का कोई भी मेंबर लीजिए कोई भी मेंबर लीजिए वो वन पे जा रहे हैं ठीक है जी बहुत अच्छी बात है अब इसके साथ ये स्टेटमेंट देखेंगे आप और हम मिलके सही सुना मेरे बेटा आप और हम मिलके सबसे पहले मुझे बताइए ओके व्हाट इज ऑफ ऑफ कैपिटल सेम एज देखो मेरे बेटा पिक्चर देखो एफ ऑफ किसी का भी एफ लेंगे वन आएगा तो किसी सेट का इमेज लेंगे वो भी वन आएगा एम सेट के अलावा एम सेट के एम सेट, सेट का तो कुछ है नहीं नॉन एम सेट का इमेज लेंगे वो भी वन ही आएगा सिंगल्टन में

एफ इनवर्स नॉट इक्वल टू एक तो ये एग्जांपल मिल गया अब मिलेगा दूसरा नेक्स्ट ये बताइए इनवर्स ऑफ एम इज एफ इनवर्स ऑफ जीरो अगर पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं तो बेटा वन वन का तो फिर भी देख सकते हैं आप इनवर्स मतलब सिंगलटन वन का एज अ सेट सिंगलटन वन का बाकी तो किसी का इनवर्स आएगा ही नहीं किसी भी सेट का अगर इसका इनवर्स इमेज देखना है तो कुछ है ही नहीं उसमें so, this is empty set 5. अच्छा ये बताइए वॉट इज एफ ऑफ एफ इनवर्स है तो यहां भी देख लिया आप लोगों ने क्या यही कि अभी आपका ए इतना था बट एफ ऑफ एफ इनवर्स ए तो ए के बराबर आया ही नहीं तो दैट इज़ हर तरह से अपने आप को आपके दिमाग में जो उल्टी सीधी बातें घुसी हुई हैं उनको निकाल के फेंक दीजिए ना तो ये ए के बराबर है ना ये ए के बराबर है इट्स जस्ट लाइक ये जो एग्जाम्पल दिया इट्स जस्ट लाइक बच्चा कहते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है ना कई बार कैंसिल कर देते हैं तो ऐसे नहीं कैंसिल होता भाई फंक्शंस में हो नहीं रहा आप वहाँ इनवर्स में करेंगे

इनको प्लीज़ कैसे भी करके आत्मसात करके जाइएगा कॉम्पोजिशन वाला जो मैंने आज बताया वो चारों रिजल्ट्स बीच बीच में आते रहेंगे या नहीं यू यू मे नॉट बी एबल टू मेक इट आउट कैसे हिलाना है क्वेश्चन इसी तरीके से ग्राफ देख के इमेज निकालना ग्राफ देख के इन्वर्स इमेज निकालना सेट का वो बड़ा क्लासिक था आज ही क्लास में आपने देखा रेंज कैसे कैसे निकल सकते हैं तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहे चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच थैंक यू